कृष्णा कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 5, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप, श्लोक संख्या 36। यहाँ सीधे हाथ पर बोर्ड के ऊपर ये श्लोक लिखा है, कृपया दोहराइए। श्री दक्ष उवाच, अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यभर्काणां असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षुमार्गः प्रदर्शितः। श्रीदक्ष उवाच, अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षुमार्गः प्रदर्शितः। श्रीदक्षः उवाच, प्रजापति दक्ष ने कहा, अहो असाधो, हे अत्यंत बेईमान अभक्त, साधूनां भक्तों तथा महामुनियों के समाज का, साधुलिंगेन संत पुरुषों का वेश धारण किए, नहा हमको त्वया तुम्हारे द्वारा असाधु बेईमानी अकारी की गई है, अर्भकाणां अनुभवहीन बेचारे बालकों को, भिक्षोह मार्गः भिखारी या भिक्षुक सन्यासी का मार्ग प्रदर्शितः दिखाया गया। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुषों का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाये, चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला 12:51। समाज में अनेक सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्यों के अनुसार उचित ढंग से रहें तो उन्हें साधु समझा जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए थे, तो भी उनमें त्रुटि निकालने की मनोवृत्ति थी। उन्होंने अनुचित तौर पर सोचा कि नारद मुनि असाधु हैं क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नारायण सरस के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतया गृहस्थ बन सकें, किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबों को इस जगत का परित्याग करने का और भगवान भगवत धाम लौटने का मार्ग दिखलाएं। किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में
नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर असाधु होने का दोषारोपण किया। इस संदर्भ में भिक्षु मार्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगे और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दे। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति है, किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ चार आश्रमों के अनुसार अपनी जीविका चला सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वह स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्चा विग्रह पूजा में लगें और लोग अर्चा विग्रह पर जो भी प्रसाद भेंट करें उसे वे ग्रहण करें। यद्यपि कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकता है, किंतु वह निजी भरण पोषण के लिए नहीं, अभी तो अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता। इसी तरह क्षत्रिय नागरिकों से कर वसूल कर सकते हैं और उन्हें नागरिकों की रक्षा भी करनी चाहिए। विधि विधानों को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। वैश्यों को कृषि तथा गो रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर भीख मांग सकते हैं, किंतु गृहस्थ नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की, क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष के मतानुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाध्य कार्य और भकाणाम। दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था, जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखलाकर गुमराह बनाया। इन सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वे असाधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए था। कभी कभी संत पुरुष को गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतया जब वह गृहस्थों के युवा पुत्रों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने का उपदेश देता है। सामान्यतया एक गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वह संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है, तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है, जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतः पाश्चात्य देशों में ये चार निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणधार हैं। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं, जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण कर दिया। भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हों, किंतु हमें बिना हिचक के अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हम नारद मुनि की शिष्य परंपरा में हैं। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने मात्र के लिए ही कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है, जो कि काम भोग के लिए छूट है। वे नहीं जानते कि गृहस्थ को मिली यौन जीवन की छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक एक साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता के आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे, यह अनिवार्य है। किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है, अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्य तरुण पीढ़ी के सभी सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत
शरीक होने की सलाह देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत हो नहीं। यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। आज की ये कक्षा इसलिए ली गई है क्योंकि पिछले 10 दिनों में ऐसे अनेक वीडियो निकाले गए हैं जिसमें युवा शिक्षित लोग ब्रह्मचारी बने और इसको लेकर के उनके माता पिता का आक्रोश था और टीवी के अंदर इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न रखे गए कि क्या ये सही है, ये जो नवयुवक विशेष रूप से शिक्षित और अच्छी जगह से शिक्षित अच्छी पगार लेने वाले ये लोग माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मचारी बन रहे हैं, क्या ये सही है। इस बात को लेकर अनेक वीडियो पिछले 10-15 दिनों में बाहर निकाले गए हैं, इसलिए आज की कक्षा में हम इस विषय के ऊपर कुछ मंत्रणा करेंगे। सर्वप्रथम वर्तमान समय में क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय का आधार क्या माना जाता है। आज ये आधुनिक मीडिया का युग है, यानी कि पूरा जनसाधारण है, यहाँ माता पिता बच्चे हैं, आप फैसला कीजिए। भाव ये है, जो जनसाधारण है बहुमत जो बोलेगा वो सही है, इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, प्रजातंत्र। और इसीलिए आज एक के बाद एक हर विषय को इसी नज़रिए से सही या गलत के तराजू में तोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो हम इसी आधार पर विचार करें कि क्या ये सही आधार है, क्या जनसाधारण के बहुमत को सही और गलत का निर्णय लेने का निर्णायक तत्व माना जाए, क्या ये सही है, क्या ये वास्तविकता है या नहीं। अगर ऐसा सही है तो फिर बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सब बच्चों से पूछा जाए कि कौन स्कूल जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। कितने बच्चे हैं, अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप स्कूल जाना चाहेंगे तो वो स्कूल जाना पसंद करेंगे, कोई नहीं, तो फिर हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। उनको क्यों अधिकार नहीं है अपना चुनने का। अगर बहुतायत बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो माता पिता क्यों उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं उनको स्कूल भेजने की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि जो भी सामान्य बहुमत बोलता है वही होना चाहिए तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, फिर क्यों हम बच्चों को भेजते हैं। तो ये जो आधुनिक विचारधारा है कि हर एक व्यक्ति चाहे उसका ज्ञान का स्तर कुछ भी हो वो अपनी एक वोट देने के लिए सक्षम है, उसका विचार का वही महत्व है जो एक ज्ञानी पुरुष का है, अज्ञानी पुरुष का बराबर है, क्या ये तर्कसंगत है। क्या एक 5 साल के बच्चे का मत उसके स्कूल जाने के विषय में उसका जीवन क्या होना चाहिए, क्या उसे माता पिता को गंभीरता से लेना चाहिए, क्या उन्हें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये बच्चे की समझ कितनी है। तो क्या उसी प्रकार से भले ही आयु में कोई बड़े हो गए हों लेकिन क्या जीवन के परम लक्ष्य को वो समझते हैं या नहीं, क्या इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए ये जानने से पहले कि उस व्यक्ति का विचार क्या सही और गलत की पहचान करने के लिए निर्णायक होगा या नहीं। धर्म क्या है, धर्म मतलब सही और गलत क्या है, इसका निर्णय कैसे होता है। कर्तव्य की बात आती है, कर्तव्य कौन निर्धारित करता है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम,
धर्म अर्थात कर्तव्य का मार्गदर्शन निर्देशन भगवान के द्वारा किया जाता है। ये सृष्टि अपने आप से न बनी है न अपने आप से चल रही है, ये सृष्टि के एक कर्ता हैं। ये सृष्टि के पीछे कर्ता होने के कारण उसके पीछे एक उद्देश्य है। इसीलिए इस सृष्टि के अंदर हम सभी लोग का क्या कर्तव्य है उसे जानने के लिए हमें भगवान से जानना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। भगवान की वाणी शास्त्रों में उल्लिखित है, जो भगवान के महान भक्तों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में हम तक पहुंचती है। ऐसे आचार्यों की परंपरा से शास्त्रों को सुन करके हम निर्धारित कर पाएंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। किसी भी व्यक्ति के विचारों से धर्म की परिभाषा इंगित नहीं होती है। यहाँ पर दक्ष प्रजापति सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, शास्त्र में जानकारी रखने वाले हैं। उन्होंने भी बड़ी तपस्याएं की हैं जिससे उनको ये दक्ष प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसे महान स्थिति में स्थित व्यक्ति भी धर्म की गुह्यताओं को समझने में गलती कर सकते हैं। अर्जुन महाभारत के युद्ध से पहले धर्म के निर्धारण में खुद भ्रमित हो गए थे कि वास्तविक धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज के सामान्य व्यक्ति जो न शास्त्र कभी पढ़ते हैं न उनकी कोई उसमें रुचि है, और जिनको बचपन से टीवी और मीडिया के माध्यम से और हमारे वर्तमान समय के आधुनिक नास्तिकतावादी वैज्ञानिकों ने सिखाया है कि ये सृष्टि अपने आप खुली है और इसके पीछे केवल आहार निद्रा भय मैथुन यही इसमें एकमात्र कार्य है, ऐसे लोगों के दुष्प्रचार से प्रेरित होकर के ये लोग अपना कोई भी मत दें, वो लोग भ्रमित ना हों, इसमें क्या कहा जाए। जब अर्जुन जैसे महान व्यक्ति भी धर्म की गुह्य बातों को निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं, तो फिर क्या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए शांत मन से, विवेक बुद्धि से, कि हम केवल अपने मन में जो आए उसे सही और गलत मान नहीं सकते हैं। हमें गुरु शास्त्र, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्रों का जो वचन हमें प्राप्त हो उसे ढंग से समझ करके निर्णय लेना चाहिए हर स्थिति में क्या करणीय है और क्या नहीं, क्या कर्तव्य है क्या नहीं। इस आधार पे ये जो आज प्रश्न है खड़ा हुआ है उसका हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप इस श्लोक में देख रहे हैं, ये प्रश्न नया प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न सदियों सदियों से चला आ रहा है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र, सृष्टि के प्रारंभ से ये प्रश्न चला आ रहा है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है और एक आसुरिक मार्ग है। फर्क यह है कि यहां पर चर्चा चल रही है प्रवृत्ति और निवृत्ति में, और आज जो चर्चा चल रही है वो आसुरी और निवृत्ति में। प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें शास्त्र के अनुसार निम्न स्तर की शिक्षाएं हैं, जिसमें व्यक्ति को नियमित रूप से इंद्रिय भोग करने की छूट है, उन लोगों के लिए जो तुरंत इस भौतिक जगत की व्यर्थता को समझ करके भोग करने की सभी प्रयासों को छोड़ करके एकमात्र कृष्ण सेवा नहीं स्वीकार कर पाते, उनको एक कंसेशन दिया गया है प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा। ठीक है, आप तुरंत नहीं छोड़ सकते तो धीरे 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 उसको नियमित करके अंततः छोड़ दीजिए। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है, वो तुरंत अपना ड्रग एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहा है तो डॉक्टर उसको खुद कुछ अनुमति देता है कि आप इसको पहले नियमित कीजिए अपने ड्रग्स देने को, और फिर धीरे धीरे कम करते करते एक दिन छोड़ देंगे। इस उद्देश्य से शास्त्रों में ये प्रवृत्ति मार्ग दिया है। लेकिन यदि कोई प्रवृत्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मान ले और जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए जो अनुमति है ड्रग्स को लेने की उसी को ही नित्य मान करके उससे आसक्त हो जाए, तो फिर डॉक्टर का उद्देश्य परास्त हो जाएगा, फिर वो कभी अपने एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए प्रवृत्ति रेश भूतानाम निवृत्ति तु महाफलम,
शास्त्र का में बताया गया है कि ये सभी लोग सामान्य रूप से प्रवृत्ति की तरफ ही आसक्त रहते हैं, तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं। इस भौतिक जगत में हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम इस पूरे जगत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने को ही अपना सुख मानते हैं, अपने को परम भोक्ता मानते हैं। ऐसी भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग ही तो इस जगत में आते हैं। हम सभी वही हैं जो भगवान भोक्ता हैं, हम उनके सेवक हैं। ये बात को नहीं स्वीकार किए, विद्रोह किए, हम भोक्ता सोच करके हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ये भोग करने की प्रवृत्ति हमारी रग रग में घुसी हुई है, बहुत डीप रूटेड है, बहुत गहरी है। और जहाँ पर ये भोग वृत्ति के ऊपर प्रहार होता है वहाँ हमें बहुत पीड़ा होती है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए ये जो विषय है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई जवान युवा ब्रह्मचारी बनता है या इवन कोई गृहस्थ कभी संन्यास लेता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि घर वाले या कोई भी बड़े खुशी खुशी उसको ये अनुमति दें। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आसक्तियां हैं वो अभी कटती हैं, तो हमें पीड़ा तो होगी ही। अगर फोड़ा कहीं हो गया है तो डॉक्टर को उसको चीरा लगा करके उसका पस निकालना पड़ता है। पेशेंट तो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, मतलब उसे दुख होगा, लेकिन वो डॉक्टर को वो ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका हितैषी है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये निवृत्ति का मार्ग बताया है शास्त्र के अंतिम उपदेश के रूप में। इस भौतिक जगत से भोग विलास की सभी इच्छाओं और प्रयासों को छोड़ करके अंततः श्री कृष्ण की सेवा करना, ये सभी शास्त्रों का अंततः मर्म है। इस उद्देश्य तक पहुंचना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि सभी लोग तुरंत इस स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको एक क्रमिक मार्ग दिखाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। इसलिए उसके अंदर सबसे पहले जीवन के सोपान में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, आज पूरे विश्व में जहाँ पर ये वैदिक संस्कृति धर्म और इसके द्वारा जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का मार्गदर्शन था, आज वही भारत के अंदर कौन सा ब्रह्मचारी आश्रम कहाँ पालन किया जा रहा है? कौन माता पिता हैं जो अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? चाहते भी हैं, जानते भी हैं कि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग क्या होती है। वो तो केवल एक ही ट्रेनिंग देते हैं, खूब पैसा कमाना है और ऐश करना है, मजा करना है। इस जगत में सफल वो है जो जितने ज़्यादा पैसा कमा लेगा वही मजा करेगा। सामान्य रूप से मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसे कुछ माता पिता भी होंगे जो ज्ञानवान हैं, जो भक्त हैं और अपेक्षित है कि अपने बच्चों को ऐसी सलाह नहीं देंगे, लेकिन सामान्यतया आज की जो स्थिति है वो यही है। तो हम आज जिस भारत में रह रहे हैं वो नाम का भारत है, केवल उसने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है। पाश्चात्य जगत के अज्ञानी लोगों की अज्ञानी संस्कृति, अज्ञानता को अपना बना लिया है। जीवन के लक्ष्य को केवल आहार निद्रा भय मैथुन बना करके छोड़ दिया है। इसीलिए आज के इस भारत में हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजते ही नहीं है। आज बच्चा तो जन्म से ही उसको गृहस्थ की ट्रेनिंग है, ब्रह्मचर्य आश्रम तो कैंसिल ही कर दिया हमने, डिलीट कर दिया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था कि बचपन में बच्चा सबसे पहले गुरु के कुल में जा करके गुरु से शास्त्र अध्ययन करे, प्राथमिक जोर था शास्त्र अध्ययन पे, और शास्त्र जिससे वो समझे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम भोक्ता नहीं है, हम कृष्ण दास हैं। इस वास्तविक ज्ञान को समझे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो आज हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान है क्या? वो अज्ञान है, वो सब अज्ञान है, क्योंकि वो सब इसी आधारभूत विचार पर आधारित है कि हम शरीर हैं, हम भोक्ता हैं, जीवन का लक्ष्य केवल भोग करना है। हमारी वैदिक संस्कृति जो भगवान के द्वारा दी गई है उसके अंदर भी
जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती थी, प्रयास होते थे, सब उनको शिक्षण प्रशिक्षण होता था। ऐसा नहीं है कि शास्त्र इम्प्रैक्टिकल हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के अंदर जीविकोपार्जन का भी निर्देशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन जो आज हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं, वो आसुरी है, क्योंकि उसका उद्देश्य पापमय कृत्यों में लिप्त होकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा न करना है, नहीं करना, केवल पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी अपने लोभ के पीछे भागना है। लोभ के पीछे, आस पड़ोसी को देख करके मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए क्योंकि पड़ोसी घर इतना है, उसका बच्चे का इतना नाम है तो मेरा इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के आज जीविकोपार्जन करने के लिए हम चलते हैं, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं के लिए नहीं। आज का पूरा समाज हमने ऐसा गठित किया है जिसका केंद्र है अनावश्यक आवश्यकताओं को हमने अपना बना लिया है, जिसके कारण जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है उसके लिए समय और शक्ति बची नहीं है। तो आज जिसको हम जीविकोपार्जन, जिसको अपना कर्तव्य मानकर अपने गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, वो आधारभूत से ही मिसडायरेक्टेड है, क्योंकि शास्त्र के अंदर गृहस्थ आश्रम में अपनी जीविकोपार्जन की मनाही नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए वास्तव में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ना कि अनावश्यक चीज़ों को बटोरने के लिए, जिससे कि बहुमूल्य मनुष्य जीवन का जो समय और शक्ति है वो अपव्यय हो। तो ये पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे को भेजा जाता था, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने के बाद गुरु से वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब अभी उसका दूसरा जन्म होगा। आज हम बात कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, माता पिता कौन से अपने माता पिता की बात मान रहे हैं? हम सबके माता पिता कौन हैं? हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता, हम सबके माता पिता कौन हैं? शास्त्र हम सबके माता पिता हैं। जब ये संवाद चल रहा है दक्ष प्रजापति का और नारद मुनि का, तो उसमें नारद मुनि जो दक्ष प्रजापति हैं उनके पुत्रों को सब बताते हैं, शास्त्र पितुहु, सभी के पिता शास्त्र, सभी के पिता हैं, रियल फादर शास्त्र हैं। दूसरे शब्दों में वेद माता, वेद हमारी माता है। तो हमारे सभी का एक जन्म होता है पिता के वीर्य और माता के अंड से, वो पहला जन्म है। वो जन्म तो जानवरों का भी होता है, वो कॉमन है, लेकिन मनुष्यों में एक और जन्म होता है। जब व्यक्ति गुरु के पास जाकर के शास्त्र के माध्यम से भगवान को समझता है, उसका प्रयास प्रारंभ करता है, उसको दूसरा जन्म कहते हैं। इसलिए जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवे द्विजः, द्विजः मतलब दूसरा जन्म। इसलिए सभी योनियों में हमें ये शरीर के माता पिता मिलते हैं और वो आदरणीय हैं, लेकिन उसके उपरांत मनुष्य को चाहिए कि एक और जन्म ले जिसमें वो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की शरण में जाए और वेद माता उसकी माता बने और गुरु पिता, उनसे वो शिक्षा ग्रहण करे, ये दूसरा जन्म है। तो सभी योनियों में पहला जन्म तो मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में ही केवल दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों की वाणी को नहीं मानेंगे तो हमने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि वास्तविक पिता शास्त्र हैं, परम पिता वो भगवान, वो हैं सबके पिता। अगर वर्तमान समय के कोई शरीर के माता पिता शास्त्र के अवहेलना करके, भगवान के आदेशों की अवहेलना करके अपने पुत्र को ऐसा कुछ कार्य करने को बोले जो शास्त्र के विपरीत है, और उनका बच्चा उनकी बात नहीं माने, तो वो माता पिता की बात मानना नहीं है या मानना है? क्योंकि वास्तव में पिता तो शास्त्र हैं। होना ये चाहिए कि हर एक माता पिता को शास्त्र के अनुसार ही अपने बच्चे को मार्गदर्शन देना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात। किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुरुपद
जननी का पद, पिता का पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं है यदि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके, क्योंकि मनुष्य जीवन की विशेषता यही है। बाकी तो सभी जानवर भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो इसलिए मनुष्य रूप में किसी भी व्यक्ति को जानवर की तरह से अपने बच्चों को पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, उसका निषेध है। केवल यदि हम अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सके तो ही हमें संतान उत्पत्ति करने की अनुमति है। ये कठोर निर्देश शास्त्रों में है। तो क्या ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है कि वे अपने बच्चों को भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं, शास्त्र जो उनके वास्तविक हम सबके पिता हैं उनसे उनका संबंध दिखाएं? तो ऐसे माता पिता वास्तव में परम आदरणीय हैं, वो वास्तव में गुरु हैं फिर। तो ये एक सामान्य भ्रांत धारणा है कि ब्रह्मचारी आजीवन रहना ये कहाँ शास्त्र में बताया है। ठीक है, अगर सन्यासी किसी को लेना है तो भी हर एक व्यक्ति को पहले ब्रह्मचारी है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम भी तो है, तो पहले गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास आश्रम में जाना चाहिए। तो देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम की बात नहीं करते, बस एक ही बात है, पैसा कमाना चाहिए, ख़त्म काम। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते भी हैं, धार्मिक हैं, कि ठीक है तो पहले विवाह करो फिर बाद में संन्यास, अभी वो तो संन्यास लेने के लिए तैयार नहीं है माता पिता, वो तो आयु वाले हो गए, उनका वानप्रस्थ संन्यास का बात कहाँ गई। लेकिन एक तर्क के लिए बोल रहे हैं, ठीक है तुम अभी पहले विवाह करो बाद में करेंगे। ठीक है पिताजी, आप तो पहले, आपकी तो उम्र हो गई, अब आपका संन्यास का क्या हुआ। तो यहां पर ये सप्तम स्कंद के अंदर 12वां अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है जिसमें है कि वर्णाश्रम व्यवस्था को समझाया गया है कि ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनके क्या क्या कार्य होने चाहिए। तो उसने बताया है कि शास्त्रों के नियम के अनुसार जो द्विजा हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हें गुरुकुल में आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, वहाँ पर उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को दक्षिणा देकर के, गुरु से अनुमति लेकर के, गुरु के आदेशों के अनुसार शिष्य को गुरुकुल छोड़ के जिस आश्रम में भी वो जाने के लिए उपयुक्त है, अगला चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार गुरु की मंत्रणा से गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास, कोई भी आश्रम ग्रहण कर सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम ही ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए उसको जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बिना संन्यास आश्रम ग्रहण करता है सीधा, उसको बृहद्वृत कहा गया है, अग्रहस्थ बृहद्वृत। और ऐसे हमारे, या उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है जो गृहस्थ आश्रम में जाए बिना संन्यास ग्रहण करता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के। शंकराचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बुद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद के गुरु नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कवि एक योगेंद्र इत्यादि, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से उनकी संख्या बहुत कम होगी, ज़्यादातर लोग ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम ही जाने के लिए उपयुक्त हैं,
क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहना या संन्यास लेना मुश्किल है, वो आसान नहीं है। और शास्त्र में निर्देश है कि अपरिपक्व अवस्था में संन्यास नहीं लेना चाहिए अज्ञानतावश। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को ये जानकारी है, ज्ञान है, वो आयु पर निर्धारित नहीं होता है। आयु से तो कोई व्यक्ति 70 साल का होगा तो भी उसकी आयु, उसकी समझ शक्ति, आयु 70 साल की, लेकिन समझने शक्ति उसकी बच्चे से भी छोटी हो सकती है। आज हम देखते हैं 60 साल के लोग हैं लेकिन वीडियो गेम देखते हैं, कॉमिक्स जीरी और ये सब क्या है वो जॉम एंड जेरी, व्हाट इज दैट, टॉम एंड जेरी, वो देखते हैं। तो उनकी आयु 60 साल हो गई लेकिन उनकी बुद्धि तो बड़ी नहीं हुई है। और ऐसा हम देखते हैं कि बच्चे हैं 15 साल के हैं, 10 साल के, 12 साल के हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तो बहुत बड़ी है। वो विचार करते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमारा तो ये पहला जन्म नहीं है, अनेक अनेक जन्मों से हम कंटिन्यू अपना जीवन जीते आए हैं। तो हमारे पूर्व जन्म के जो हमने जितनी प्रगति की है आध्यात्मिक प्रगति, वो आगे कंटिन्यू होती है। और वर्तमान समय में भी किसी साधु का संग प्राप्त करके, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करके कोई व्यक्ति तेजी से प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक ज्ञान में, कोई धीरे धीरे कर सकता है, तो वो अलग अलग रहेगी। इसलिए हम केवल हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज़ को केवल आयु से नहीं तोल सकते हैं। तो ये जो पूरा विषय है कि ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना और इससे माता पिता परेशान हैं, इसका ये एक आधारभूत सिद्धांत हमने पहले कुछ देखा। जब तक हम ये आधारभूत चीज़ को नहीं समझेंगे कि धर्म को परिभाषित कौन करता है, कैसे निर्धारित होता है कि सही गलत वो शास्त्र के अनुसार होता है ना कि बहुमत से, तब तक हम इस विषय के ऊपर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। केवल अपने भावनाओं को व्यक्त करना तो उससे तथ्य पे हम नहीं आ सकते और जीवन का परम हित प्राप्त नहीं कर सकते केवल भावनाओं में बह करके। इसलिए यथारूप अगर हम समझना चाहते हैं तो सोबर दिमाग से, ठंडे दिमाग से, विवेक से, शास्त्रों के आधार पर हमें इस विषय की गहराई को समझना पड़ेगा। अभी उन वीडियो में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए, जिन तर्कों को मैं एक के बाद एक कुछ लेने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम तो कि ये बच्चों का को गुमराह किया जा रहा है, ब्रेन वॉश। तो यहाँ पर भी यही बात है ना, दक्ष ने यही बोला ना कि तुम मेरे बच्चों को गुमराह कर रहे हो। तो कोई भी माता पिता है जो शास्त्र के परम उद्देश्य को नहीं जानता है या जानता है तो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है अपनी अज्ञानता और आसक्ति कारण, उसे जब अपनी योजनाएं विफल होती दिखेंगी, बच्चों के उसकी योजना के अनुसार धन अर्जित करने का, समाज में प्रतिष्ठित औहदा पाप प्राप्त करने का, उसकी योजनाएं जब उसको विफल होती दिखेंगी तो स्वाभाविक रूप से उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अगेन, गुमराह किसे कहेंगे? जो शास्त्र के विपरीत कोई चीज़ सिखाई जाए उसे गुमराह कहना कहेंगे। शास्त्र के अनुसार कोई चीज़ बताई जाए उसे गुमराह नहीं, उसे वास्तविक ज्ञान देना कहेंगे। कोई भी प्रचार, कोई भी ज्ञान देना, क्या हम उसको गुमराह कहना कह सकते हैं? तो फिर तो आज जो भी स्कूल में है सबको गुमराह किया जा रहा है। बच्चे को आप गुमराह कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तभी तो जाना है, उसने सीखा कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, उसको हम गुमराह नहीं बोलते हैं ना। तो गुमराह केवल प्रशिक्षित करना, क्योंकि ज्ञान देना वो गुमराह नहीं कह सकते हैं उसे। जो बच्चे ब्रह्मचारी बन रहे हैं वो सोच समझ करके मुझे ये क्यों करना है उसके आधार पर बन रहे हैं, ना कि अनजाने बन रहे हैं बिना किसी तर्क के, बिना किसी समझे हुए। माता पिता कई बार को ऐसा लगता है पता नहीं इस कौन में क्या ऐसी घुट्टी पिलाते हैं कि ये लोग का ऐसा ऐसा इनका बन जाता है। तो वो घुट्टी आप भी पी लीजिए, अगर इतना आसान है, अगर इतना आसान है जीवन समर्पित करना भगवान के शरणों में घुट्टी पिलाने से सब काम चल जाता है, तो आप भी वो घुट्टी पी सकते हैं। सारा संसार को हम घुट्टी पिला सकते हैं आसानी से, लेकिन घुट्टी पिलाने से काम नहीं चलता है। ये
शास्त्र के आधार पर इसको समझना, इसके लिए शुद्धिकरण चाहिए चेतना का, उससे ये समझ आती है। तो ये घुट्टी पिलाने की बात नहीं है, हाँ ये समझने की बात है, ये चेतना की शुद्धि से आता है। और जब तक ये चेतना की शुद्धि नहीं होगी, दो व्यक्ति हैं जिसकी एक की चेतना निम्न स्तर पर है, उच्च स्तर पर है, वो उनकी समझ अलग अलग रहेगी ही रहेगी। तो किस आधार पे उन्होंने वो सोचे, वीडियो में जो दिखाया कि ब्रेन वॉशिंग किया गया, कि पहले इस बच्चे की बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थी, ये तो बोलता था मैं तो इतना बड़ा ये बनूंगा, IIT जा करके ये करूंगा वो करूंगा, और जब से ये इस्कॉन के संपर्क में आया है इसकी अब ये सारी जो बड़ी बड़ी आशाएं थी अब इसके अंदर से खत्म हो गई, अभी इसकी ऐसी कोई आशा नहीं रह गई। ये ब्रेन वॉशिंग का एक क्राइटेरिया बनाया है कि ये देखो ब्रेन वॉशिंग का उदाहरण है, जिसके मन में पहले इतनी बड़ी आशाएं थी आज वो आशाएं खत्म हो गई हैं। तो क्या ये ब्रेन वॉशिंग है या ये वास्तविक ज्ञान का अर्जन है? इंद्रिय भोग में लिप्त होने की बड़ी बड़ी कामनाएं करना ये अज्ञानता का सूचक है, और अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य में ये बड़ी बड़ी बातें, इंजीनियर डॉक्टर या कुछ भी बड़ा पैसे वाला बनना, वो सब टेम्परेरी है, और इसीलिए वो उसमें जीवन व्यर्थ करना व्यर्थता है, इसको समझना अज्ञानता नहीं ज्ञान है, इस तथ्य को समझना। लेकिन जो व्यक्ति खुद उस अज्ञानता में, उन्हें वो ज्ञान वाला व्यक्ति तो अज्ञानी ही लगेगा, इसलिए वो उसको गुमराह करना समझेंगे। अभी ये बच्चा का ब्रेन वॉश हो गया है, पहला हमारा इतना आज्ञाकारी था, अभी तो हमारी बात ही नहीं मानता है। दूसरा आरोप कि इस प्रकार से वो ब्रेन वॉशिंग हुआ है। तो प्रजापति दक्ष के बच्चे पहले बड़े आज्ञाकारी थे दक्ष के, और वो उनकी आज्ञा को लेकर के नारायण सरस गए तपस्या करने के लिए, जिससे कि अच्छे गृहस्थ बन सके। दक्ष भी कितना अच्छा पिता था, कम से कम तपस्या के लिए भेजा गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ब्रह्मचारी बनने के लिए। आज के माता पिता तो दक्ष की तरह भी नहीं है। तो वो बच्चे जब नारद मुनि की बात सुने, और नारद मुनि ने कहा कि तुम इतने आज्ञाकारी, इतने अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा इतने अच्छा बिहेवियर है, तुम इतने तपस्वी हो, तो ये इतना निकृष्ट उद्देश्य लेकर के क्यों चल रहे हो? केवल इस जगत के अंदर रहना है, कुछ संतानपति करना है, ये तो जीवन के परम लक्ष्य को लेने के लिए तुम तैयार हो, तुम वो ले सकते हो। तो जब उनको इस समय में आया तो उन्होंने अपने पिता को बात को नहीं मान पाए, तो एक तरीके से दक्ष को बहुत गुस्सा आया, मेरे भी आज्ञाकारी पुत्र को इन्होंने अनाज्ञाकारी बना दिया। लेकिन अगेन, जब भी ज्ञान के मार्ग पे कोई चलेगा, कोई भी, तो डिफरेंस ओपिनियन आएगा, तो वहां पर उसको ऐसे लगेगा कि अनाज्ञाकारी हो गया। लेकिन वही पहली बात कि वास्तव में माता पिता यदि शास्त्र के अनुसार शिक्षा दें और उसके विरुद्ध यदि कोई जाए तो उसको बोलेंगे अनाज्ञाकारी होना। हर एक चीज का सही और गलत की पहचान के लिए बेसिस रखना पड़ेगा, गुरु साधु शास्त्र, अन्यथा हम लोग भ्रमित रहेंगे। तो आज्ञाकारी कौन? जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चले वो आज्ञाकारी, जो इसके विरुद्ध चले वो अनाज्ञाकारी। दूसरा, इसका ब्रेन वॉश हो गया है क्योंकि इसका कलेजा पत्थर का बन गया है। अभी हम इतने पीड़ित हैं, हम रो रहे हैं, और फिर भी ये अपने डिसीजन पे टस से मस नहीं होता है, इसका पूरा दिमाग इन्होंने खराब कर दिया है। तो अभी देहात्म बुद्धि के अनुसार अर्जुन भी ऐसे ही विह्वल थे ना, रो रहे थे अर्जुन, मैं अपने सगे संबंधी को कैसे मार सकता हूं, गांडी तक उन्होंने रख दिया। इतने बड़े योद्धा शिवजी तक को उन्होंने युद्ध में प्रसन्न किया था अपने कौशल से, और वो बड़ा योद्धा जिसने शपथ ली थी कि मेरे को अगर किसी ने गांडी नीचे रखने के बोला तो मैं उसको गर्दन काट दूंगा, वो खुद, ऐसा अर्जुन आज अपने आप करुणा से रो करके वो गांडी रखने को तैयार हो गया। भगवान ने उसका क्या रिएक्शन, क्या उत्तर दिया? अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांशवाद। अरे मूर्ख, पंडित जैसी बात करते हो, पंडित सोचते हो और बात अज्ञानी करते हो। क्लैब्यम,
नपुंसकता को छोड़ो, उन्होंने उसको नपुंसकता बताया। सामान्य लोगों की स्थिति में उसका ये रोना कितनी महानता है ना, लेकिन भगवान के शब्दों में वो नपुंसकता है। तो अगर अज्ञानता के आधार पर हमारे उद्गार प्रस्तुत हो रहे हैं, भावनाएं, लेकिन वो शास्त्र अनुमोदित नहीं है, तो फिर वो देहात्म बुद्धि है, वो अज्ञानता का सूचक है, ना कि ज्ञान का। तो एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना तो कठोर लगेगा। जब भगवान राम ने अपने धर्म का पालन करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उनको आवश्यकता पड़ने पर सीता जी को भी भेजना पड़ा, तो सामान्य व्यक्ति तो ऐसे लेगा ना कि भगवान राम का हृदय तो पत्थर का है। तो अज्ञानता के स्तर पर कारण रहने पे ये सब जो भावनाएं हैं वो अज्ञानता का प्रकटीकरण होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वास्तव में ज्ञान के पथ पर हृदय कठोर हो जाता है। वास्तविक ज्ञान में हृदय अत्यंत निर्मल और मृदु होता है भगवत प्रेम में। लेकिन भौतिक जगत की जो ये भोग वासना है, इसके विषय में हृदय कठोर बनता है। उसके विषय में कठोर होना जरूरी है, तभी भगवत प्रेम में हृदय मृदु बनेगा। जिसके हृदय भौतिक भोग में रह करके मृदु है, वो कभी कृष्ण प्रेम उसके हृदय में नहीं होगा संचालित। इसलिए ये भौतिक अज्ञानता के भावनाओं के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर जो माँ बाप का नहीं बन सका वो भगवान का क्या बनेगा। माता पिता को जो रुलाया तो क्या भगवान तुम्हारे को स्वीकार करेंगे तुम्हारी भक्ति, कि तुमने अपने माता पिता को रुलाया। लेकिन माता पिता रो क्यों रहे हैं, उनको तो मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। इतना बड़ा सौभाग्य उनका कि करोड़ों 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 लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो इतना सौभाग्यशाली होता है कि वो समझ गया अंततः करोड़ों करोड़ों जन्मों के जाने के बाद कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की शरणागति लेना है। ये अत्यंत दुर्लभ चीज उनके पुत्र को प्राप्त हुई है, जिससे न केवल उनके पुत्र का उद्धार होगा बल्कि उनका भी उद्धार होगा। शास्त्र वचन है, उनको तो दुख क्यों हो रहा है, उनको सुख होना चाहिए। तो दुख का कारण उनका बच्चा जो ब्रह्मचारी बना वो नहीं है, दुख का कारण उनकी अज्ञानता है। तो इसीलिए ये कथन कि जो माँ बाप का नहीं हो पाया, क्या एक बच्चा जो अपने माता पिता दुर्भाग्य से यदि वो अज्ञानता में है, वो सोच रहे हैं हम देह हैं और जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना, जॉब करना, पैसा कमाना और इसी भौतिक जगत में भोग करना और फिर अचानक एक दिन राम राम सत्य हो जाना, बस यही है, और उन्हीं की ही इसी अज्ञानता में हम भी साथ में जुड़ जाएं और हम भी पूरा जीवन ऐसी अज्ञानता में बिता दें और माता पिता की इस चीज़ को उनको ना समझाएं ना खुद समझें, तो क्या वो वास्तव में माता पिता का उसने हित किया। पुत्र की परिभाषा क्या है, पूत त्रायते यस्मात। जो व्यक्ति पूत नामक नरक से माता पिता का उद्धार करे उसको पुत्र कहते हैं, नहीं तो उसको मूत्र कहते हैं जो ऐसा नहीं कर पाता। जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ना जिए उसको मूत्र कहते हैं, पुत्र नहीं। तो वास्तव में पुत्र, नेक पुत्र वो है जो अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाले, और वास्तविक पिता वो है जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु से निकाले। ये सब आपस में हम सभी एक दूसरे को मदद करनी है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की, ना कि एक दूसरे की पीठ खुल जानी है। तुम मेरी पीठ खुल जाओ, तुम मेरे इंद्रिय भोग में मदद करो, मैं तुम्हारे इंद्रिय भोग में मदद करूंगा, और इसको हम सेवा का नाम देते हैं। बेटे हमारी सेवा करो, क्या सेवा करें पिताजी, हमें चाहिए इंद्रिय भोग, तुम्हारे इंद्रिय भोग में मदद करो और हम तुम्हारे इंद्रिय भोग में मदद करेंगे, हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया कि तुम अच्छे से इंद्रिय भोगी बन सको। तो ये सेवा नहीं है, सेवा भगवान की होती है, भगवान के आदेश के अनुसार होती है। माता पिता की सेवा होती है, माता पिता के शरीर की सेवा सब है, लेकिन उसके अंतर्गत निहित है कि हम सभी के जीवन का केंद्र होना चाहिए कृष्ण सेवा, उसको सेवा कहते हैं। नहीं तो वो एक्सटेंडेड विस्तृत भोग वृत्ति है, वो विस्तृत भोग वृत्ति है। सेवा मतलब जिसका केंद्र कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना उसे काम कहते हैं। और अगर हम अपने सगे संबंधियों की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो सेवा नहीं है,
वो वही मेरी इंद्रियों का भोग है, मैंने अपनी इंद्रियों को बढ़ा करके उनकी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों में शामिल कर लिया है अहम ममेति के भाव से। एक बच्चा है, उसके अपने खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने को कोई अगर ले लेता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि ये उसने अपना खिलौना मान लिया है। तो उसी प्रकार से हम एक परिवार के संबंध में, यदि ये मेरे बच्चे हैं, माता पिता हैं, इसलिए इनका इंद्रिय भोग करने से मुझे सुख मिलता है क्योंकि मैंने इनको अपना संबंधी माना है, तो वो इंद्रिय भोग ही है, वो सेवा नहीं है। आज भ्रमित समाज में, आज नहीं हमेशा से भ्रमित समाज में, समाज सेवा, देश सेवा इत्यादि इत्यादि सेवाओं के नाम से ऐसी बहुत सारी इंद्रिय भोग के प्रयास चलते रहे हैं। वो वास्तविक सेवा नहीं है। सेवा मतलब कृष्ण के इंद्रियों को समझना, उसी में हमारा वास्तविक हित है। ये जितने भी भोग वृत्तीय कार्य हैं जिसे हम सेवा कहेंगे, कह रहे हैं, वो सब अंततः हमारे क्लेशों का कारण है। तो ये ज्ञान देना लेना ये शास्त्रों का केंद्र है। तो एक माता पिता ने कहा, बच्चे का परम कर्तव्य है माता पिता की संतुष्टि के लिए कार्य करना। जो माता पिता को संतुष्टि है वैसे ही कार्य करना, लेकिन माता पिता की संतुष्टि सही और गलत का निर्धारण नहीं कर सकती है। सही और गलत का निर्धारण शास्त्र के अनुसार है। माता पिता की संतुष्टि होनी चाहिए उस आधार पर जिस आधार पर शास्त्र कहते हैं। केवल माता पिता या किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि को इंडिपेंडेंटली सही और गलत के अनुसार नहीं रखा जा सकता है। एनीवे, बहुत सारे चीज़ें हैं, एक एक करके उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यदि हम एक ठंडे दिमाग से एक जीवन के लक्ष्य और शास्त्रों के मर्म को अगर हम समझेंगे तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। समाज के अंदर चारों आश्रमों की आवश्यकता है, सन्यासियों की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति अगर केवल जीविकोपार्जन करने में लगेगा तो ये ज्ञान का प्रचार कौन करेगा? अगर शरीर के अंदर से ये सिरी कट जाए तो वो शरीर किस काम का रहेगा? तो समाज के अंदर जो सन्यासी हैं या जो प्रचारक हैं, जो शास्त्र का प्रचार करते हैं, वो पूरे समाज को मार्गदर्शन देने वाला दिमाग है। यदि वो वर्ग नहीं रहेगा तो फिर पूरा समाज किस दिशा में जाएगा? जानवरों की दिशा में जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो सभी लोग उसी तरह प्रवृत्ति पर भी चलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लोग सराहते हैं कि कोई सन्यासी बन गया, कोई ने बहुत त्याग किया, अरे इनको तो ये तो इतना कमा सकते थे फिर ये सब छोड़ दिया, छोड़ करके इतना सबको ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जब उनका बच्चा ये काम करता है तब उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, मेरा नहीं बने। ये सामान्य चीज़ है। क्या ये दिखा रही है? ये हमारी आसक्तियाँ दिखा रही है। तो ये माता पिता जिनका अगर बच्चे के अंदर इतनी सुकृति है कि वो इस प्रकार से कदम ले रहा है तो दर्द होगा, कष्ट होगा, क्योंकि आसक्तियाँ खत्म नहीं होती हैं, लेकिन विवेक से काम करना पड़ेगा। और इस्कॉन संस्था के अंदर जो सन्यास है वो त्रिदंडी सन्यास, प्रचार के लिए सन्यास है। उसका उद्देश्य केवल बस माता पिता से दूर चले जाओ ऐसा नहीं है, प्रचार उसका उद्देश्य है। लेकिन प्रचार करने के लिए आवश्यकता आवश्यक है कि व्यक्ति ऐसे ही प्रचारकों के साथ में रहे, उनके द्वारा ट्रेंड हो और भ्रमण करे स्वतंत्र रूप से। अगर सब लोग अपनी जीविका कमाएंगे तो प्रचार काम कैसे होगा? अगर मैं आज मेडिकल करके मैं क्या कर रहा होता, अपना मेरा कोई क्लिनिक होता, यहाँ पर हमारे कई लोग हैं जो डॉक्टर हैं, उनसे पूछिए कितना समय वो निकाल सकते हैं प्रचार के लिए, तो हम सामान्य से बोल देते हैं। घर में रह के भी तो होती है, भक्ति सब कर सकते हैं, लेकिन फिर समाज में एक वर्ग को
सामान्य गृहस्थ जीवन के अलावा प्रचारक बनने के लिए कुछ जिसके अंदर क्षमता है उनको ये बनने की आवश्यकता है ना। फिर एक कि माता पिता का फिर बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो। हमारे पास बहुत सारे केस हैं जिनका एक ही बच्चा होता है तो बोलते हैं हमारा तो एक ही लड़का था, लेकिन जिनके दो लड़के होते हैं उनका एक लड़का भी अगर ज्वाइन करता है तो भी उनको वही शिकायत होती है जो दो एक लड़के वाले को होती है, क्योंकि आसक्ति अंधी होती है। वो केवल हम लोग अलग 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 तर्क देते हैं। हाँ, हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर हर व्यक्ति के सामान्य भरण पोषण की व्यवस्था है वर्णाश्रम के अंतर्गत। तो सामान्य रूप से अगर कोई बच्चा गृहस्थ आश्रम में जा रहा है तो वो अपने माता पिता का ध्यान रखेगा, लेकिन अगर सौभाग्य से ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है कि कोई बच्चा यदि वो प्रचारक की तरह से भगवान को पूरा जीवन समर्पित करके परम परमार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, तो फिर वो जो माता पिता हैं यदि किसी कारण से उनको शारीरिक इत्यादि आवश्यकता है तो वो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। जैसे आज भी अगर कोई पिता है और अगर उसके बच्चे ब्रह्मचारी नहीं बने लेकिन किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, तो भी तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ये सामाजिक सामान्य सामूहिक उत्तरदायित्व है, और हर माता पिता जिनके बच्चे ज्वाइन किए हैं नहीं किए हैं सभी को खुला आमंत्रण है, आप सभी लोग आकर के हमारे साथ रहिए। आप भरण पोषण की दिक्कत क्यों करते हैं, हमारे पिता श्री कृष्ण हैं, सबको खाना देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, यही तो हमारा संदेश है। आप भी आइए, आप भी हमारे साथ भक्ति में रहिए, आपका सारा भरण पोषण होगा। तो कहाँ पर भरण पोषण की मनाही है, कहाँ अलग किया जा रहा है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है उसके लिए, हम कहते हैं नहीं हम तो यही जीवन में रहेंगे, और तो समस्या आ रही है। इसलिए समस्या है अभी कि वो उसकी समझ की, और दूसरा ये वर्णाश्रम व्यवस्था ना होने की, लेकिन इस प्रकार से उद्देश्य नहीं है। और दूसरा ये वीडियो में कुछ दिखाए गए कि जैसे माता पिता रो रहे हैं तो वो तो कष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर माता पिता पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर माता पिता को धीरे धीरे अत्यंत हर्ष होता है कि उनके बच्चे ने ये कदम उठाया है। ऐसे उदाहरणों को वहाँ नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि उनको चटपटी समाचार चाहिए, उनको अपनी जेब गर्म करनी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको ऐसे वीडियो लेके आने चटपटे समाचारों के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, आप लोग मिलिए हमारे माता पिता से, तो ऐसा नहीं है कि वही केवल एकमात्र है। और ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर कि माता पिता पूरा जीवन भर भी इसको स्वीकार नहीं कर पाए, ऐसे भी हैं। लेकिन ये अपने आप में क्राइटेरिया नहीं है सही और गलत को सिद्ध करने का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर स्थिति में माता पिता परेशान रहते हैं। माता पिता बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि उनके बच्चे ने उनको भी सही मार्ग दिखाया है और वो आज खुद भक्ति में पूरी तरह से रत हो गए हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। तो ये सब गौण अलग 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 केस में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसके केंद्रीय मुद्दे को समझेंगे तो ठंडे दिमाग से इस पर विचार करेंगे तो हम समझेंगे ये क्यों हो रहा है, कैसा इसकी क्या आवश्यकता है। इस संक्षिप्त विवरण के साथ हम ये यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अभी इस विषय में यदि किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये जो वीडियो बने हैं ये आसक्ति और मोह और इसी वजह से ये बने, तो माता पिता चाहते हैं कि भाई उनमें आसक्ति है बच्चे में, और आसक्ति मोह और जो ये अपेक्षा, ये तीनों ही दुखों का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ। नहीं, आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न है कुछ? प्रश्न ये है कि कृष्ण के चरणों में समर्पित होके जो सच्चिदानंद विग्रह है, उसमें पूर्ण आनंद है कि गृहस्थ जीवन में जाके
को ज़्यादा आनंद मिल जाता है। गृहस्थ जीवन और संन्यास आश्रम डिपेंड करता है हमारी कंडीशनिंग के ऊपर, तीनों गुणों की जो हमारी कंडीशनिंग है, चाहे गृहस्थ आश्रम हो संन्यास। संन्यास आश्रम भी जीवन की सिद्धि नहीं है, जीवन की सिद्धि तो कृष्ण सेवा है। लेकिन हम सभी को अपना आश्रम चुनना होगा हमारी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार। यस, और कोई प्रश्न? जिज्ञासा ये है कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था सारे व्यवस्था को ठीक से संचालित कर सकती है, लेकिन इस व्यवस्था का भंग होना इसका कारण क्या है? कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे अच्छे गुणों की का ह्रास होता है, इसलिए वर्तमान समय में ये वर्णाश्रम का ह्रास हम देख रहे हैं। प्रैक्टिकली हमारे वर्तमान समय के नेतागण, एजुकेशनिस्ट, सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित हैं और उसके कारण वो हमारी वैदिक संस्कृति के मूल्य को नहीं समझते हैं, इसीलिए वो लोग इसको रिवाइव करने के लिए बिल्कुल उत्साही नहीं हैं। और प्रैक्टिकली ये मूल कारण है। आज भी ये रिवाइव हो सकता है बहुत जल्दी यदि नेतागण, देश के जो जिनके अंदर भगवान ने शक्ति दी है नेतृत्व करने की, यदि ऐसे नेतृत्व शक्ति वाले लोग अगर भगवान के भक्त बनेंगे, व्यवस्था को समझेंगे भगवान की, तो ये रिवाइव करना संभव है। तो उसके लिए प्रयास यही है कि हम धीरे धीरे उसको प्रचार करें, बढ़ाएं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ये जो वीडियो क्या बात कर रहे हैं, मैं ओपिस प्रसाद के बारे में तो मैं भी उसके विरोध हूँ। किसके वीडियो आपने बताए हैं जी, इस्लाम के अगेंस्ट में वो तो ठीक नहीं है। मैं स्पेसिफिकली ये जो श्लोक है इसके संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ जी, कि दक्ष प्रजापति जी की जो जिम्मेदारी दी गई थी उनको कि प्रजा उत्पादन और प्रजा को जो है बढ़ाने के लिए जी, तो वो भी एक तरह से भगवान की इच्छा थी जिसके लिए उनको कहा गया था जी, और नारद जी ने उसके विपरीत उनके पुत्र थे उनको गृहस्थ आश्रम, क्योंकि चारों आश्रम जो है उनकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और संभाल पर है जी। तो चूंकि दक्ष प्रजापति जी को एक कार्य दिया गया था भगवान का और वो कार्य जो है अंजाम तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए उनका क्रोध जो है वो मुझे लगता है कि तो भगवान की इच्छा को जानना वो इस प्रकार से नारद मुनि जैसे आचार्य से जानना चाहिए, ये प्रजापति गलती थी। तो प्रजा उत्पन्न करना एक कर्तव्य है, लेकिन अल्टीमेटली प्रजा उत्पन्न करने का परम कर्तव्य क्या है? कि जो भी प्रजा को हम उत्पन्न कर रहे हैं वो भवसागर से बाहर निकल करके वापस घर जा सकें। तो यदि प्रजा उत्पन्न करने के रास्ते में कोई व्यक्ति वापस जाने के लिए तैयार हो गया, फिर हम उसको बोले नहीं 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 वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, तो वो फिर उसके उद्देश्य को नहीं समझ करके कार्य करना हो गया। जैसे यमदूत अजामिल ने जब वो पकड़ने के लिए आए अजामिल को, तो वो तो यमदूत थे, यमराज तो धर्मराज हैं और उनके वो दूत हैं, तो उन्होंने जब उसको नरक ले जाने के लिए पकड़ा तो फिर वहाँ पर विष्णुदूत आ गए और फिर ये वार्तालाप हुआ कि ये तो अधर्मी है, आप इसको क्यों बचा रहे हैं? तो धर्म वास्तव में क्या है? धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाय महाजन येन गतस्य पन्था। धर्म का तत्व बहुत गूढ़ होता है, उसको समझने में महाजन ये गतस्य पन्था, नारद मुनि ऐसे एक महाजन हैं। तो दक्ष प्रजापति को चाहिए था ऐसे केस में नारद मुनि से जाने कि वास्तव में भगवान की इच्छा क्या है। तो वो सामान्य एक इंस्ट्रक्शन है प्रजा का उत्पन्न करना है, लेकिन यदि उसमें ऐसे कोई बच्चे निकल रहे हैं जो प्रजा उत्पन्न करने के उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर उनको जबरदस्ती वाला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्पस इज सॉल्व, उद्देश्य पर वो पहुंच गए ना। हाँ?
तो इस प्रकार से धर्म के अलग अलग स्तर को समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे, जब धर्म का परम लक्ष्य हमको पता रहेगा तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हमको उस परम लक्ष्य को जानते हुए समझते हुए उसके आधार पर हम निश्चित कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में धर्म क्या है। नहीं तो बड़ी विडंबना हमको लग सकती है कि ये सही है कि गलत है। वही मैं आपसे बता रहा था कि यस प्रजा उत्पन्न करना है, लेकिन अगर कोई भगवत धाम जाने के लिए तैयार है उसको फिर उस्तर लगाना जरूरी नहीं है। तो वो एक और हायर प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार से धर्म का निर्धारण में अलग अलग स्तर होते हैं उसको जानने के लिए। तो बच्चे जो है वो झूठ बोलते हैं भक्ति में आने के बाद। तो नारद मुनि का हम देखें यहाँ पर केस, तो नारद मुनि ने जब दक्ष प्रजापति के पहले 10,000 पुत्र हुए तो उनको पहले शिक्षण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और ब्रह्मचारी बन गए आजीवन। फिर दूसरे 10,000 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया दक्ष प्रजापति ने, और दूसरे 10,000 पुत्रों को भी नारद मुनि जाकर के बोले देखो तुम्हारे बड़े भाई ने ये रास्ता अपनाया है और तुम उनके छोटे भाई हो, तो भाई होने के नाते तुम्हारा लगाव होना चाहिए भाई के प्रति, तो क्यों नहीं तुम वही काम करते जो तुम्हारे बड़े भाई ने किया। तो भगवत धाम ले जाने के रास्ते में टैक्ट भी यूज़ करना पड़ता है ना, क्योंकि आसक्ति इतनी जटिल होती है सीधे सीधे काम नहीं होता है। तो सत्य बोलना एक सामान्य धर्म है, यही बात यहाँ पर आई, सत्य बोलना धर्म है। लेकिन एक और प्रिंसिपल भी है कि कुछ परिस्थिति में कई बार सत्य नहीं भी बोलना पड़े। एक व्यक्ति था ब्राह्मण, तो एक व्यक्ति दौड़ दौड़ आया, बोला कि मेरे पीछे मुझे डकैत पड़े हुए हैं, मुझसे मेरे पैसा लेके मुझे मारना चाहते हैं, तो मुझे कहीं आप बता दो मुझे कहाँ छुपना है। तो उसने बताया ठीक है आप इस तरह चले जाओ। तो वो डकैत आए, बोले वो कहाँ है वो आदमी, वो एक आदमी आया था, बोले हाँ इधर गया है, क्योंकि सत्यवादी था। तो उसने सत्य वचन निभाया, वो गए उसको मार दिया, तो उसको नरक मिला, सत्य बोलने के लिए नरक मिला। तो इसलिए धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, तो ये कोई सामान्य प्रिंसिपल नहीं है। सामान्यतः सत्य बोलना है वो जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में एक परम स्थिति को हासिल करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ सकता है। भगवान कृष्ण खुद ये दिखाए महाभारत के अंदर, है ना, कर्ण को मारने के लिए वो सूर्य अस्त करा दिए अपना चक्र से और फिर उसको हटा दिए, बोला अभी मारो उसको। तो सामान्य लोग ये सोचता है अरे कैसे भगवान अधर्म सिखा रहे भगवान, लेकिन धर्म अधर्म का मूल सिद्धांत क्या है, जो भगवान की इच्छा है उसको, और कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म निम्न स्तर पे एक अधर्म की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई बैंक में लुटेरे लोग बैंक को लूट करके जा रहे हैं और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पुलिस की गाड़ी पीछे भागेगी तो आप क्या चाहेंगे, पुलिस की गाड़ी ट्रैफिक के नियमों का पालन करके उल्टी दिशा में पहले जाए और घूम करके जहाँ राइट तरीका है वहाँ से आए, या अगर वो लुटेरे नियम तोड़ करके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं ये नियम टूट रहा है, लेकिन एक हायर नियम पालन हो रहा है कि हमें ये इनके इन प्रकार हैं इनको पकड़ना है, वो हायर प्रिंसिपल है ना। ये सब जो एम्बुलेंस चलती है 108 क्या हम उसको रोकते हैं, अरे पहले ट्रैफिक के नियम पालन करो, क्योंकि वहाँ पर एक हायर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो इसी प्रकार से धर्मों के निर्धारण में अलग अलग स्तर हैं जिसके आधार पर वो निर्धारण किया जाना है। वो निर्धारण कैसे होगा, अल्टीमेट लक्ष्य को जानने के, इसीलिए हर एक व्यक्ति को गुरु के निर्देशन में कार्य करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने किया, व्यक्तिगत रूप से कई बार बड़ी विडंबना हो सकती है कि इस परिस्थिति में लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति नहीं, दक्ष हैं भगवान के इच्छा को सही से जानने में, उनके मार्गदर्शन में जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। धीरजन प्रियौ प्रिय करौ निर्मसरौ।